नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों आज के इस वीडियो से हम यूपी टेट की तैयारी प्रारंभ करवा रहे हैं। ये यूपी टेट की तैयारी के क्रम में पहला वीडियो है और दोस्तों यूपी टेट ही नहीं DLED थर्ड और DLED फोर्थ सेमेस्टर इन दोनों की भी तैयारी मैं अपने इस चैनल के माध्यम से कराऊंगा। मतलब यूपी टेट, CTET और DLED सेकेंड तो हो चुकी, थर्ड और फोर्थ तीनों की तैयारी मैं एक साथ अपने इस चैनल के माध्यम से कराऊंगा। इसीलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबाइए ताकि इन सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत पहला वीडियो देखने जा रहे हैं और इनमें मैंने अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को सम्मिलित किया हुआ है जो आपकी यूपी टेट की परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो पहला प्रश्न है, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये किसका कथन है? तो ये हरलॉक का कथन है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? वंशानुक्रम और वातावरण। 6 से 12 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? बाल्यावस्था कहलाती है। विकास के पक्ष कौन कौन से हैं? शारीरिक, संवेगात्मक, मानसिक, चारित्रिक और सामाजिक विकास। ये 5 मुख्य विकास के पक्ष हैं, या कह सकते हैं ये विकास के प्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, शैक्षिक दृष्टि से विकास की कौन सी अवस्थाएं महत्वपूर्ण हैं? तो जो प्रारंभ की 3 अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये शैक्षिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला क्या कहलाती है? तो विकास। ये डेफिनेशन एक तरह से समझ लीजिए, क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला विकास कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या? दोस्तों लास्ट में मैंने एक विशेष प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर आप जरूर दीजिएगा, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। इसी वीडियो से मैंने एक क्वेश्चन को निकाला हुआ है और लास्ट में पूछा, उसका उत्तर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो उत्तर जरूर दीजिएगा। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना समय लगता है? 280 दिन। किशोरावस्था को संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने। अगला प्रश्न है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? 2 से 7 वर्ष। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? स्किनर ने किया है। और किस पर किया था? चूहे पर किया था। शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत किसने दिया? पावलव ने दिया। अगला प्रश्न है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? तो ये थॉर्नडाइक ने दिया। सूच का सिद्धांत किसने दिया? तो ये कोहलर ने दिया। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन हेतु जाने जाते हैं? तो ये संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के रूप में मुख्यतः जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं इसे। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया? तो बिने साइमन ने दिया। अधिगम के मुख्य नियम कौन से हैं? तत्परता के नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। अगला प्रश्न है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत से कौन संबंधित है? अल्बर्ट बंडूरा। पावलोव के शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अनुक्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत पावलोव ने किस पर किया? तो ये कुत्ते पर किया। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियमित करने की प्रक्रिया है तो वो है सीखना। तो दोस्तों ये सीखना की डेफिनेशन है एक तरीके से समझ। विस्मृति को कम करने का क्या उपाय है? तो पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे तो विस्मृति कम हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पढ़े हुए पाठ को भूल जाना क्या कहलाता है? तो ये विस्मृति कहलाता है। अगला प्रश्न है, संवेग का संबंध किससे होता है? तो मूल प्रवृत्तियों से होता है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां कितनी हैं? तो 14 हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि मूल प्रवृत्तियां किसने दी या इनका प्रतिपादन किसने किया मूल प्रवृत्तियों का। तो ये मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियां दी थी जिनकी संख्या 14 है। अगला प्रश्न है, अन्य व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल क्या कहलाता है? अनुकरण कहलाता है। जैसे कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की नकल करता है, उसके बाह्य व्यवहार कुछ भी जैसे वो करता है तो वही वो भी दूसरा व्यक्ति भी करने का प्रयास करता है तो उसे कहते हैं अनुकरण। हॉल का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? हॉल मतलब स्टेनले हॉल का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? किशोरों के मनोविज्ञान की व्याख्या करता है। इन्होंने किशोरों के मनोविज्ञान का गहनता से अध्ययन किया है। बुद्धि लब्धि का आविष्कार किसने किया? तो बुद्धि लब्धि का आविष्कार टर्मन ने किया। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? तो यह है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, ये बुद्धि लब्धि का 25 है, ठीक, और वास्तविक आयु 20 है।
तो अब बुद्धि लब्धि इसकी कितनी होगी, तो कैसे निकालेंगे, मानसिक आयु में 25 रख दिया और वास्तविक आयु में 20 रख दिया और इनटू 100 कर दिया, ठीक। अब ये 20 पंचे 100, तो 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 125 आ जाएगा। अब 125 ये किसकी बुद्धि लब्धि होती है, तो उसको उस बुद्धि लब्धि की श्रेणी में रखेंगे, समझ गए। इस तरह बुद्धि लब्धि निकाली जाती है। अगला प्रश्न है, 140 से ऊपर की बुद्धि लब्धि के बालक को किस श्रेणी में रखते हैं, तो इसे प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में रखते हैं। ओके दोस्तों, तो ये थे आज के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विशेष प्रश्न की तरफ। और दोस्तों, अगर आपको यूपीटेट टीएलएट की सभी पूरी तैयारी करनी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का जो विशेष प्रश्न है, विशेष प्रश्न आपका है कि संज्ञानात्मक विकास हेतु किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है। इसका सही उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं, ताकि आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।